हर बार जब भी गर्मी आती है तो शहर में पानी के लिए हाहाकार मचता है। उसके अस्थाई निदान के लिए 19 जल मीनार को बनाकर और ग्राउंड वाटर लेवल से पानी लेकर उस जल मीनार को भरकर पूरे शहर को पानी देने की स्कीम बिहार सरकार के द्वारा हर घर जल का नल योजना के तहत लाई गई। भागलपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जल्द ही उन्हें जल संकट से निजात मिल सकेगा। भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए भागलपुर नगर निगम के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 49 स्थित ठाकुरबाड़ी के निकट बनकर तैयार हो चुके 1,60,000 लीटर की क्षमता वाले जल मीनार के लिए डीप बोरिंग के कार्य का शिलान्यास किया गया। महापौर सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा ने नारियल फोड़कर डीप बोरिंग के काम का शिलान्यास किया। इस दौरान उप महापौर राजेश वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को होने वाले जल संकट को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन काफ़ी सजग है और इसके अस्थाई निदान को लेकर पूरे शहरी क्षेत्र में 19 जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल से पानी लेकर जल मीनार भरकर पूरे शहर क्षेत्र को जल संकट से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत पहुंचाई जाएगी। हर बार जब भी गर्मी आती है तो शहर में पानी के लिए हाहाकार मचता है। उसके अस्थाई निदान के लिए 19 जल मीनार को बनाकर और ग्राउंड वाटर लेवल से पानी लेकर उस जल मीनार को भरकर पूरे शहर को पानी देने की स्कीम बिहार सरकार के द्वारा हर घर जल का नल योजना के तहत लाई गई। अभी उसमें 3 महीने में आप ये देखिए कि लगभग 3 जल मीनार अभी हमारे पास ऐसा है जो रेडी हो चुका है, और इस महीने में और अगले महीने में तीनों जल मीनार से लगभग आप समझिए कि 40,000 से 45,000 लोगों तक पानी घर घर मिलने लगेगा। हर टंकी जो जल मीनार बना वो 1,60,000 लीटर की टंकी है जो बनी है। आज उसी में एक हमारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाला जो है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है, यूनिवर्सिटी वाला कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ का जल मीनार कम्प्लीट हो चुका है बन के। इसके लिए डीप बोरवेल तत्काल अभी डीप बोरवेल किया जा रहा है। जब तक ग्राउंड वाटर लेवल से पानी का जो सेकेंड फेज़ का टेंडर है वो पूरा नहीं हो जाता काम, तब तक डीप बोरवेल करके लोगों को टंकी के माध्यम से पानी पहुँचाने की योजना है, जिसको जल्द से जल्द हम लोग क्रियान्वयन करके लोगों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि अस्थायी निदान जल को लेकर जो समस्या है उससे लोगों को स्थायी निदान मिल सके। अभी लगभग कितने बोरवेल का जो है वो क्रियान्वयन? 3 हमारे पास अब कंप्लीट होने के स्टेज पे है, और उसके बाद जो बाकी 16 है वो सारे प्रोसेस में, मुझे लगता है कि 6-7 महीने में सभी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। कुछ काम जो है वो कोरोना काल के कारण बाधित हुआ, लेकिन अब वापस से पूरी टीम जो है सतर्कता के साथ काम में लग गई है।